मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो वाइस आज फैमिली में। अभी टाइम है 8:15 और मैं नहा ली हूँ। और मेरी मेहंदी इतनी ज्यादा काली हो गई ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। टी शर्ट का और मेहंदी का एक ही रंग हो गया। इतनी काली मेहंदी अच्छी नहीं लगती, बट हो जाती है। आजकल केमिकल आता है मेहंदी में बहुत ज्यादा। तो अभी हम उठे, नहाए तो हो, आज जल्दी नहा ली थी मैं क्योंकि बस मूड मन करा था नहाने का जल्दी, तो नहा ली। और वीडियो शूट करने हैं, प्रमोशन के वीडियोज आए हुए पड़े हैं, बट शूट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। कब से प्रोडक्ट आए हुए हैं तो देखती हूँ, आज अगर टाइम मिला तो शूट करेंगे। इस रूम की सफाई भी करनी है तो वो भी देखेंगे। शायद रूम की सफाई तो आज ना करूँ, कल देखेंगे रूम की सफाई का। तो बाकी जो प्रमोशन वीडियो वो शूट करने हैं तो वो तो करूंगी। एंड अभी हमारे पूनम भाई साहब हो रहे हैं रेडी बैंक जाने के लिए। आजकल तो आज भी जल्दी रेडी तो लेट जाना है। और अर्शु भैया को मैं बुला रही हूँ, आ जाओ छोड़ के आऊँ नीचे, आ जाओ। लेकिन अर्शु उठ ही नहीं रहा। अर्शु आज टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ, फोन बंद कर दो। लालच लेके उठाना पड़ता है लड़के को। कल कहाँ गया था मेरा बेटू? कल कहाँ गया था? खा गया चिकन। क्या लेके आया चिकन से? हैं? हाय तो कर दो फ्रेंच को, कि तो गुड मॉर्निंग फ्रेंच। कुछ नहीं लेके आया। आ जाओ फिर खड़ा हो जाओ। वाह मासी वाह, गुड शॉट। क्या हुआ अर्शु भैया? कि तो मासी ढंग से पहना दिया करो। जूता फेंक दिया। लिफ्ट आ गई, अब हम जाएंगे अर्शु को नीचे छोड़ के आएंगे। वैन का टाइम हो गया इसके, और हमारी लिफ्ट भी आ गई है ना अर्शु। वाओ, तो अर्शु की वैन आ गई। वैन वाले भैया पहले फोन कर देते हैं। हाँ नहीं आई, जल्दी चलो, आने वाली बहन। जल्दी कुछ एक शॉट मार लो जल्दी। वाह बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं। तर्शु खेलने लग जाता है, गुल्लू होता है ना, उसका मूड फ्रेश हो जाता है नीचे। और बहन ऑलमोस्ट आ ही गई है। मुझे जुकाम लगी हुई है, जुकाम ठीक नहीं हो रही। और मेरे इतना आलस है कि डॉक्टर की नहीं जाया जा रहा मेरे से। हो जाएगा ठीक, मैं सोच रही हूँ मौसम ही है तो हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। लेकिन दिखाना ही पड़ेगा, लग तो ऐसा ही रहा है। तो बाहर तो आवाज़ कम आती होगी आप लोगों को क्योंकि मेन रोड है सामने, तो गाड़ियाँ निकलती है इधर से, इसलिए आवाज़ कम आती होगी। इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पक पक नहीं करूँगी। तो अभी करवा चौथ वाला वीडियो जो है एडिट करके और आई हूँ किचन में। अब देख रही हूँ कुछ खाने को मिल जाए तो खा लूँ। करेले की सब्जी बनाई है और आलू की सब्जी है, चूरमा पड़ा है, बाटी पड़ी है, बट इनमें से मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो कुछ नहीं खाऊंगी मैं, कुछ अच्छा सा होता तो खा लेती। मैगी खाने का मन कर रहा तो, पर मैगी कौन बनाएगा अब। और सोच रही हूँ यार डॉक्टर के जा ही आती हूँ, पर डॉक्टर आएगा 10:30, 11 बजे डॉक्टर आएगा। तो अभी टाइम अभी बज रही है 10:30, 11 बजे आएगा डॉक्टर। तो मैं सोच रही हूँ जा ही आऊँ डॉक्टर की, क्योंकि ऐसे तो नहीं पार पड़ने वाली है। मुझे इतनी वीकनेस फील हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आप देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से मैंने कोई डाइटिंग वगैरह नहीं की है, लेकिन मेरे घर वाले भी मेरी जान खा रहे हैं कि तू डाइटिंग करती है, तू खाती नहीं है, तू जानबूझ के नहीं खाती, तेरा वेट इसलिए कम हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने 15 दिन के अलावा कोई भी डाइटिंग नहीं की है, वो भी एक महीने पहले। कम से कम एक महीना पहले मैंने 15 दिन डाइटिंग की थी, उसके बाद मैंने कुछ भी डाइटिंग नहीं की है। पता नहीं क्यों मेरा वेट स्टिल कम होते ही जा रहा है और मुझे बहुत वीकनेस फील होने लग गई अब तो। और खाने में भी मैं, मुझे नहीं लगता कोई कमी रखती हूँ, लेकिन मैं इतना एक्सेस नहीं खा पाती कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ मैं। दो रोटी खाती हूँ रात को, तो फिर मैं रोटी खाती नहीं हूँ, मैं पूरे दिन में 2 रोटी खाती हूँ। उसके बाद जैसे कभी कभार मन किया तो पताशी वगैरह खा लेती हूँ, तो मुझे पता है हेल्दी है। बट फ्रूट्स खा लेती हूँ, फ्रूट्स खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्रूट्स हमेशा खाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और बाकी तो आप देखते रहते हो मैं सारा दिन खाती रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ या वजन कम करना है मुझे और वजन कम नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगने लग गया कि मैं राजपूत ड्रेस पहनती हूँ तो ढांचा सा लगती हूँ बिल्कुल भी। और कल नंदा सा ने इतना टोका है मुझे कि भाभी साहब ये क्या हाल बना लिया अपना, इतने ज़्यादा पतले हो गए, अच्छे नहीं लग रही है वो। पर क्या करूं यार, मेरे बस का नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ वेट कम। और अब तो सोच रही हूँ कि जितना है वही रह जाएगा, ठीक है अब इससे ज्यादा कम बिल्कुल नहीं होना। और मम्मी आई थिंक मंदिर जाकर आए हैं, तो परी के पापा को टाइम है उनके पास, तो वैसे बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मुझे। तो सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास दिखाई आती, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे 2-3 महीने पहले हुई थी ना, वही सेम प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। मुझे वीकनेस फील हो रही है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तो दवाई लेनी पड़ेगी मुझे।
क्योंकि मेरा ब्लड जो है कम हो जाता है अचानक से, इसीलिए फिर मुझे ऐसा फील होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि मेरा ब्लड जो है 8 से 9 पॉइंट रह गया था, इसी वजह से मुझे ऐसा हाल हो गया था मेरा, और वही वापस होने लग गया। और मम्मी हमारे मंदिर से आ गए, तो देखते हैं क्या करते हैं। इतना आलस आता है इसलिए मेरे व्लॉग आजकल नहीं आ रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता व्लॉग शूट करने का। बस घर का और शॉप का काम कर लूँ, वही बहुत है मेरे लिए। अब इतनी ज़्यादा वो हो रहा है मेरे साथ, तो मैं आज दवाई लेके आऊँगी फाइनल, और मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू व्लॉग्स बनाएंगे। मुझे पता है आप लोग वेट करते रहते हो, बीच में एक एक दो दो दिन का गैप आ जाता है व्लॉग में, बट यार मैं क्या करूँ, मेरा मन भी नहीं करता व्लॉग बनाने का। और फ्रिज के पीछे जिसकी परछाई आपको दिख रही है, वो आदमी इतना केयरलेस है कि मुझे डॉक्टर के भी नहीं दिखा के लाता। हाँ मेरा ये है, ये तो बात है, ये हमारे माता जी मंदिर चेक किया है। करवा चौथ का ड्रेस लाए थे और वो मैं कल वहाँ ले जाना भूल गई थी, तो मम्मी को पता है एक बार बोल दो ना कि मम्मी ये आपके लिए ये ड्रेस लाई हूँ वो ड्रेस लाई। फिर मम्मी को इतना बच्चों की तरह करने लग जाते हैं कि लाओ दो। तो मैं अब मम्मी को वो ड्रेस देने जा रही हूँ, और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कौन सा ड्रेस है। शायद दिखा दिया होगा मैंने ब्लॉग में, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेके आए हैं मम्मी के लिए, और मम्मी को इस तरह की ड्रेसेस बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी चॉइस मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी के लिए मोस्टली कपड़े मैं ही लाती हूँ हमेशा। तो अभी हम मम्मी का ड्रेस दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सा ड्रेस लाई थी मैं मम्मी के लिए। आज के बाद कैसे कर जा? हाँ ठीक है कौन काट जाओ, काम करवा दो यार। तो ये वाला ड्रेस मैं मम्मी के लिए कब से ला के रखा है मैंने, और एकदम रेडी है ड्रेस, तो मम्मी खुश हो जाएंगे। पिको विको सब करवा लिया था मैंने, ये ऑरेंज कलर दिख रहा होगा आपको इसमें वीडियो में, बट ये गाजरी कलर का ड्रेस, तो अभी देखते हैं मम्मी को ले जाकर देते हैं। पैक वैक तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये नाड़ा वाड़ा सब रेडी है एकदम, तो अभी मम्मी को ले जाकर देते हैं और पूछते हैं मम्मी से कि मम्मी आपको कैसा लगा। एक दिन मम्मी ने देख लिया था कब से ला के रखा हुआ, तो मम्मी मुझे बीन नहीं हो कौन को है, मैं क्या मम्मी बाहर हुई है। तो चलो मम्मी को देते हैं ड्रेस। मम्मी लो, पैक एक तो करो को नहीं, क्यों पैक का ही करता, मैं पैर ले मम्मी। ठीक है भाई, सुनाओ बाम लगा दे लगा दे बार बाम। तो ये ड्रेस लाए हैं मम्मी के लिए, मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसा लगा। ठीक है, सरदा कोटी बन घूमनो फिरनो जरूरी मम्मी के, ठीक है मंदिर जानो। ब्याम ब्याम से थोड़ी है पेराई जरा, ये क्यों ब्याम ओ को ब्याम दे एक दुकान बारी भू करिए जो जोरदार करा ली बढ़िया फराशी वो तो बिना दुकान ही जोरदारी पेराई है। हां और नहीं भी करे पहले यार, तो अब तो बत्ती जी सारा सब सुख था ना कि अच्छा 17 साल हाल 17 साल गुंजा साल कोई जरूरी को ना 17 साल हाल तो परी को क्या देकर जाई साल। नहीं नहीं पर आम जी कौन है उम्र का, तो बेटा कोई भरोसा कौन है कब के जगह है कोई आम जी कौन है। बहुत सुंदर है कि ठीक है ठीक है मम्मी ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो कोई कौन कल सूट पहरे जो वो भी मैं लाई थी, कल जो मम्मी ने ड्रेस पहना था वो मैं लाई थी। देख लो भाई कर लो, पैर दिखाओ पिको को करा दियो मम्मी के, पिको करा दियो लुगड़ी बढ़िया ठीक है। थैंक यू वेलकम वेलकम पूरा मम्मी अपना पेंगे इसको ये कुछ भी हो चल पूछो कौन है बाव बड़ी वो भी एक नकल दियो बेका नापो देगा नहीं वो कौन सही है वो सही है वो तो मन देख दे था पड़ता है ये मम्मी का चतुराई मम्मी दे बड़ो पड़ दियो ओ देख हां सही है मम्मी वो कर दिए जो कवार मन फिर को सूट आवे ने हां वो कदे सही कौन कर दी मैं फड़ाए जाओ और परी के पापा बोल रहे हैं कि चलेंगे डॉक्टर के यहाँ, बट इनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो अगर वहाँ बैठ गए ना तो ये 2-3 घंटे खराब करेंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आधा घंटा तो वेट करूंगी मैं, क्योंकि आधे घंटे में सुशीला ऊपर आ रही है खाना बनाएगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं अगर ये फ्री हुए तो मैं शॉप पर नहीं जाऊंगी, पहले डॉक्टर के यहाँ जाएंगे उसके बाद ही शॉप पर जाऊंगी, बट अगर इनका रहता है कि बिजी हो जाएंगे तो फिर मैं शॉप पे चले जाऊंगी, फिर वहां से ही फ्री होके मुझे कॉल कर देंगे, तो मैं वहां से गाड़ी उठा के वापस घर आ जाऊंगी, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे चेकअप करवा के आएंगे, क्या आता है रिपोर्ट में वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, मतलब ब्लड टेस्ट होगा
100% मुझे पता है, क्योंकि इतने टाइम से वही वीकनेस फील हो रही है, तो ब्लड टेस्ट ही होगा 100%। और पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मुझे नींद बहुत आती थी, लेकिन इस बार मुझे इतनी नींद नहीं आ रही है, बस भूख नहीं लग रही, खाना खाने मतलब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, और वही वीकनेस भी फील हो रही है। तो इस बार देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट्स में। और मैंने डेढ़ पराठा भी खा लिया, पराठा बना के खाया है, क्योंकि रोटी तो वैसे इच्छा ही नहीं हो रही थी खाने की, तो मैंने उसको बोला कि पराठा बना दे, तो मैंने पराठा खा लिया। 11:30 हो गए, मैं परी के पापा को बोल रही हूँ मुझे जाने दो शॉप पे, मैं कल भी नहीं गई थी, कल के भी मेरे पार्सल पैक करने हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं पहले तो दवाई लेके आएगी उसके बाद ही जाऊँगा तुझे छोड़ने वापस, मतलब छोड़ दूंगा वहाँ पे। तो अभी गेस्ट आए हैं, उनसे बातें करें, मुझे पता है वो एक घंटा मतलब अभी 11:30 होनी है, वो 11:30 बजे 12:30 बजे तक फ्री होंगे, तो मैं या तो एक काम करती हूँ उनको पूछ लेती हूँ, मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि टेस्ट वगैरह होगा फिर उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक टेस्ट करवा लेती हूँ, ये आ जाएंगे उसके बाद पीछे से, तो एक बार और पूछते हैं, वैसे तो मुझे पता डांट पड़ेगी। परी पापा मैं ये कह रही हूँ मैं चल जाऊँ हॉस्पिटल में, मैं ध्यान ब्लड टेस्ट बता से तो मैं वही करवा लूँ जितना आ जाऊँ, फिर मैं चाहूंगा सूची लगाई तेरी, मैं ये चली जाऊँ एकली ब्लड टेस्ट तो कराना है, तो बेटा ज्योति में जाएगी, ज्योति में ठीक है, जब तक फिर आ जाओ आप पीछों खाना वाना खा ठीक। तो अब मैं जाती हूँ टेस्ट वगैरह करवा लेती हूँ, तब तक ही आ जाएंगे, वरना वही टाइम खराब होगा, मैं घर पे बैठ के करूंगी भी क्या, तो फटाफट चलते हैं आ जाओ। तो मैं घर से सीधा उषा जी को लेने आ गई, क्योंकि परी के पापा ने मुझे मना कर दिया कि अकेले मत जाना हॉस्पिटल, लेके जाना किसी को, उषा जी ने घूंघट निकाल रखा है क्योंकि सामने मासूसा खड़े हैं इसलिए। और अभी मैं उषा जी को लेने आ गई थी, अब हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल इनके घर से बिल्कुल पास ही है, तो मैंने इनको बोला कि आप चलो मेरे साथ, क्योंकि मासी कुलदीप शॉप पे चले गए हैं, शक्ति भी चला गया है, तो यही बचे इनको ले लिया फिर हमने साथ। अब चलते हैं हॉस्पिटल, 12 बजने वाले हैं, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अब जांच पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्या बोलता है डॉक्टर वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो अब हॉस्पिटल में तो शायद ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी मैं। बस यहाँ तक ही बनाएंगे ब्लॉग। इनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। पहले कितना वजन था? 63 और अब 56। तो जीजा के ब्लड की कमी आ गई है, वो मैंने पहले बता दिया। अब इनका ब्लड टेस्ट होगा, खाया पिया करो, कमाने में लगे हो बस। मासू साहब बैठे थे अभी, उसके भाग गए जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया। बोला तू मन जावा था पहली पेर बना चे। बीनड़ी कट गया, काय करो माए बैठे हो, नमकीन चावल लेते, थोड़ा सा ले जो, बिल्कुल नमकीन चावल तो मेरे को पसंद है, एक घंटा बैठ के टाइम पास करना है हमें, 15-20 मिनट तो हो गई, आधा पौन घंटा और, मच्छर हो रहा है मासी के तो डेंगू और हो जाएगा। धन्यवाद, आप भी खा लो, हाँ दही लियो, तो चम्मच लियो फिर खाली सभी। अच्छी आवाज। तो अभी मैं हॉस्पिटल जाकर आ गई हूँ, और हमारा कुलदीप भाई कहते लो कौन खोले, इन दिखाओ तो हमारी गाड़ी है, तैयार बैठो, मेरे को पूछ रहे बैठो, चीप औरत, चलो। एक चाटा है ना, चाटा ऐसा मारूंगी गाल पे, छप जाएगा आंगले, भूख लग रही, चलो ना, कौन चलाएंगे तो अपना रे, बस आता ही शुरू कर दिया। तो अभी हम लोग घर पे आ गए थे, उसके बाद खाना वाना खाया, अच्छी भैया के साथ मस्ती करी, और अब अर्षी भैया को नींद आ रही है और मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, और आज मैं डॉक्टर के गई थी, उसके बाद मैंने आपको बताया नहीं कि क्या हुआ, तो वही सेम चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मुझे पता चल जाता है, वही ब्लड थोड़ा कम हो गया इस वजह से वीकनेस फील हो रही थी, और कुछ काम करने का मन नहीं करता, डॉक्टर ने बोला ब्लैंकेट उड़ा दो, उड़ा रही हूँ, डॉक्टर ने बोला है बस मेडिसिन लो और खूब खाओ पियो, यही इलाज है इस चीज का, नींद पूरी लो और
फोन बहुत देखते होंगे आप, तो मैंने बोला फोन तो मैं देखती हूँ, तो बोले कि फोन थोड़ा कम देखो क्योंकि फोन देखने से ना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा चलो कोशिश करेंगे, बट क्या करें काम ही ज्यादा फोन का है तो सारे दिन फोन में लगे रहते हैं। और बाकी तो मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, बोला कि 20 दिन बाद फिर से एक बार चेकअप करवा लेना, देखेंगे कि खून ब्लड बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो वही मेडिसिन वगैरह लेंगे अब। और अभी तो ले लिए मैंने, तो अब सोएंगे, रात के 10:30 हो रही है और मुझे नींद आ रही है, ब्लॉग भी एडिट करना है, तो वही काम अब करूंगी, इसलिए मैंने आगे आके फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।